नमस्कार। राज्य से देश दुनियाना समाचार फटाफट खबरों में हूँ जनक। शुरुआत करिए वरसादी माहौल थी। वलसाड में वरसादी माहौल है, लांबा विराम बाद वरसादी माहौल सर्जायो छे। दिवस पर वफारा बाद वरसाद पड़ता राहत पण थई छे। साबरकांठा जिला वरसादी माहौल है, त्रण दिवस विराम बाद वरसादी माहौल है। पोशीना विजयनगर पंथक में वरसाद है, पोशीना में 2 कलाक 2 इंच वरसाद पड़ो। साबरकांठा विजयनगर और आजूबाजू विस्तार वरसाद है, भारे उकड़ाट बाद वरसाद पड़ता ठंडक। विजयनगर मोजाड़िया वणधोल सहित पंथक में वरसाद। बोटाद में वरसो वरसाद, धीमी धारे वरसाद की वातावरण प्रसरी ठंडक। वरसाद की खेडूतों में चिंता, वरसाद वरसता खेडूतों ने पड़ा पर पाटो। गीर पंथकना खांबा में वरसाद पड़ो, खांबा सहित ग्राम्य विस्तार में धोधमार वरसाद। दूधवाणा कंटाड़ा साड़वा में वरसाद वरसो, विराम बाद फरी वरसाद आगमन। गीर गढ़ा में सतत बीजा दिवसे वरसादी माहौल, वेलाकोट जांजरिया करणी सनबावा सहित गांवों वरसाद, बपोर बाद वरसाद पड़ो। वडोदरा पादरा पंथक में धोधमार वरसाद, दिवसभर वफारा बाद वरसाद भर। 15 दिवस विराम बाद मेघो वरसों, वरसाद पड़ता खेडूतों चिंतित। महिसागर जिला वातावरण में पलटो, खानपुर कडाणा पंथक में वरसाद वरसो। दिवसभर उकड़ाट बाद वरसादी माहौल, लांबा विराम बाद वरसाद वरसो। अरवली बिलोड़ा में वरसाद वरसो, चूनाखाण वजापुर कमठाड़िया कुंडल में वरसाद, वातावरण में ठंडक। अमदावादना पूर्व विस्तार में वरसाद आगमन, मणिनगर जशोदानगर रामोल ईसनपुर में वरसाद, नारोल वटवा काकरिया खोखरा हटकेश्वर वरसाद। 3 दिवस में सतत असह्य बफारा बाद वरसाद आगमन। गुजरात 32 तालुकाओं वरसादी माहौल, वलसाड कपराणा में 3 इंच वरसाद, साबरकांठा पोशीना में 2 इंच वरसाद, तापी उच्छल पंचमहाल में 1.5 इंच वरसाद। गुजरात में आज थी 3 दिवस वरसाद की आगाही है, सौराष्ट्र कच्छ में छूटो छवाई वरसाद पड़ी शके छे। दक्षिण गुजरात में भारी वरसाद की आगाही, 13 सप्टेम्बरे लो प्रेशर उद्भवशे। साबरकांठा हरणाव जलाशय में 50 क्यूसेक पानी की आवक थी, खेड़वा जलाशय में 125 क्यूसेक पानी की आवक, हाथमती जलाशय में 300 क्यूसेक पानी की आवक, जवानपुरा जलाशय में 730 क्यूसेक पानी की आवक, गोरठिया जलाशय में 1200 क्यूसेक पानी की आवक। नर्मदा डेमनी जलसपाटी में वधारो, डेमनी सपाटी 137.34 मीटरे पहुंची, महत्तम सपाटी 138.68 मीटर थी 1.34 मीटर दूर। डेम में पानी की आवक 1,16,952 क्यूसेक। जूनागढ़ में पाक निष्फळ जता खेडूते कर्यो आपघात, भेसाणना छोड़वाड़ी गामे खेडूते सड़गी जई आपघात कर्यो, परिवारजनोए गमगीनी छवाई, पोलीसे तपास हाथ धरी। पाटणना राधनपुरना गरवड़ीना खेडूतोने नोंधाव्यो विरोध, गामने असरग्रस्त समाविष्ट करवानी मांग साथे विरोध। कोवाई गयेला पाकने उखाड़ी विरोध कर्यो, तमाम पाकोमां 90% नुकसान छे, जो मांग नहीं संतोषाय तो उग्र आंदोलननी चीमकी। राजकोट में भारतीय किसान संघना आगेवानी में अटकायत, कलेक्टर कचेरीए अनेक मुद्दाने पगले रजूआत करी तेवी अटकायत, 25 कार्यक्रम पुलिस अटकायत करी। अमदावादना खोखरा में पड़ो वधु एक भूवो, लक्ष्मीनारायण सोसायटी की हरिपुरा जता मार्ग पर म्युनिसिपल शाळाना गेट पास भू पड़ो, वारंवार भूवो पड़ता राहदारी वाहन चालकों ने हालाकी। गुजरात में भारी वरसाद कारण रस्ताओं ने थे भारी नुकसान, सीएम रूपाणी रस्ताओं रिसरफेसिंग रिपेरिंग 160 करोड़ फाड़िया, 195 नगरपालिकाओं में शहरी जनसुखाकारी आम निर्णय लेवायो, रस्ताओं समारकाम झड़पती हाथ धराशे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमदावाद विकास कार्य ई लोकार्पण खातमुहूर्त कर, बावड़ा में योजना ई लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम रूपाणीए हाजरी आप 240 जटा आवासों लोकार्पण थे, 45 करोड़ विकास कार्य लोकार्पण थे। रूपाणी सरकारे प्रथम हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी मंजूरी आपी है, जान्युआरी 1950 ना पहला तमाम ऐतिहासिक स्थलों पर होटल रेस्टोरेंट म्यूजियम खोलवा सरकार करशे मदद, 45 लाख थी 10 करोड़ सुधीनी पण सहाय कराशे। सीएमए जूनी होम स्टे पॉलिसी में फेरफार कर्यो, प्रवासियों ने पोसाय तेवा दरे स्वच्छ सुविधायुक्त आवास मळशे, होम स्टे ने घरेलू प्रॉपर्टी टैक्स और घरेलू वीज दर लाभ मळशे, 16 रूप टॉप योजना फंड लाभ मळशे। ईएमसी ना हेरिटेज विभागे सरकार की पॉलिसी ने आवकारी है, नानी इमारतों धरावता लोगों ने लाभ थशे, हेरिटेज मकान रिपेरिंग माटे लोन में पण व्याज माफी थी फायदो थशे। भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल संसद सत्र प्रथम सत्र में हाजर नहीं रहे, 14 सप्टेम्बर से शुरू थी रही है संसद ऐतिहासिक सत्र, 14 सप्टेम्बर थी 1 ऑक्टोबर सुधी चलते आ सत्र, छेल्ला सप्ताह में संसद में हाजरी आपी शके छे पाटिल। धोरण 12 सामान्य प्रवाह की पूरक परीक्षा 28 सप्टेम्बर से शुरू, 2 तबक्का में परीक्षा,
मार्च 2020 में नापास थे विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन करी हे तो आप सकते परीक्षा। गुजकेट ने धोरण 12 विज्ञान प्रवाह की पूरक परीक्षा की मार्कशीट 15 सप्टेम्बर की कराशे वितरण। जिला केन्द्रों पर विद्यार्थियों ने मिलेगी मार्कशीट। गुजरात वकील ने मिलेगी आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत लोन 85,000 वकील ने थे लाभ। वकील 2.5 लाख सुधी ओछा व्याज की मिली सकते लोन। प्रदेश भाजपा की लीगल टीम सरकार ने की रजूआत। गुजरात में वॉल्वो बस 80% रूट शुरू। तमाम रूट पर 100 जेटली वॉल्वो बसों से बस में सैनिटाइजर थर्मल स्कैनिंग उपयोग कराई रो। जूनागढ़ मनपा की स्टेडिंग कमिटी की बैठक मिली। शहर में 22 करोड़ खर्चे भूगर्भ गटर रस्ता कामों ने मंजूरी अपाई। 110 करोड़ खर्चे तैयार था नवा फ्लाईओवर ब्रिज कामों ने मंजूरी। अमदावाद में कांग्रेस नेता जयराजसिंह परमार पुत्र हर्षादित्य परमार परीक्षा खंड में मोबाइल साथ झड़पायो। एनएसयूआई समर्थित लो फैकल्टी सेनेट सभ्य हर्षादित्य गैरीति करी हो पर्दाफाश थो। परीक्षा खंड में मोबाइल उपयोग सीसीटीवी पर दृश्य सामने आया तरह एबीवीपी पगला लेवा मांग करी। अमदावाद कोर्पोरेशन की चूंटी में कांग्रेसे तैयारी शुरू करी। 48 वोर्ड में प्रभारी निमणूक करी। 80 नेताओं की निरीक्षक तरीके निमणूक करी। वर्षांत में चूंटी योजाई शके छे। सेशन कोर्टे श्वेता जाडेजा की जामीन अरजी बीजी बार फगावी। प्रथम वक्त अरजी फगावता श्वेता हाईकोर्ट द्वार खखड़ाया था। जो कि चार्जशीट फाइल न थता अरजी परत खेची थी। बनासकांठा डीसा मार्केट यार्ड की चूंटी अगम्य कारणसर रद्द कराई। जिला रजिस्ट्रारे चूंटी रद्द थी होवानी जानकारी। बनासकांठा की चूंटी मामले पर अनेक विवादों। राजकीय नेताओं लड़ाई में खेडूतों ने पशुपालकों परेशान। बनासकांठा जिला पंचायत उपप्रमुख की चूंटी योजाई। जिला विकास अधिकारी अध्यक्षता में चूंटी थी। कांग्रेस भुप्ताची बकवाणा बनया। बहुमती थी उपप्रमुख। कांग्रेसे फरी बहुमती ने जोरे जिला पंचायत में सत्ता जाळवी राखी। राजकोट में नीलकंठ हॉस्पिटल ने दर्दी पास से वधु पैसा लेवा बाबते तंत्र ने चेतावनी। दर्दी पास से रूम चार्ज और अन्य टेस्ट नामे वधु पैसा पड़ाया। दर्दी ने 50,000 परत अपा तंत्रे हुकम कर्यो। साथे ज ऑरेंज और परम हॉस्पिटल सामे पण एक एक फरियाद सामे आवी। नर्मदा की केवड़िया कॉलोनी खाते वधु एक आकर्षण उभु कराशे। विंध्याचल ने सातपुड़ा वच्चे रोपवे बनावाशे। नर्मदा निगमे रोपवे शुरू करने की कार्यवाही हाथ धरी है। रोपवे थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा निहाळी शकाशे। अमदावाद में वरसाद बाद शाकभाजी भाव में वधारो थता केटलाक शाक मोंघा पड़ी रहा। चोरी गुवार परवर टिंडोड़ा सहित शाकभाजी में वध्या। तो मरचा लींबु डूंगी भींडा दूधी भाव में सतत वधारो। पाटणनी राजनपुर नगरपालिका प्रमुख की आगेवानी योजाई सामान्य सभा। अलग अलग समिति की रचना कराई। चीफ ऑफिसर सभा में गैरहजर रहा। अमदावाद में हनुमान कैम्प मंदिर खोलवानी उठी मांग। दर्शनार्थियों मंदिर खोलवानी मांग साथे विरोध कर्यो। आर्मी कैंटोनमेंटे मंदिर खोलवानी मंजूरी आपी होवा छतां मंदिर छे बंद। मंदिर संचालकोना विरोधना पगले 6 महीनाथी मंदिर बंद छे। ट्रस्टीना जमाईए पुजारी ने काढ़ी मूक्या होवानुं पण सामे आव्युं छे। अमदावादमां कैम्प हनुमान मंदिर में दर्शन करवा दर्शनार्थियों जोवी पड़शे राह। सप्टेम्बर महीनाना अंत सुधी मंदिर नहीं खुले। मंदिर खोलवा अंगेनी मांगणी योग्य न होवानुं मंदिरना ट्रस्टनुं निवेदन। कोरोना केस वधता ट्रस्टे मंदिर बंद राखवानो निर्णय कर्यो छे। अमरेलीना लीलिया में गटरना पानी उभराता लोगों में रोष। नावली बाजार में गटरना पानी उभराया। अवारनवार रजूआत करवा छता तंत्रे न लीधा कोई पगला। महिसागरना बालासिनोरना राजपुरी दरवाजा बहार गटरना कारण स्थानिको परेशान। छेल्ला 5 दिवस उभराय छे सतत गटरना पानी। वेपारी और स्थानिको ने पालिका ने लिखित में जाण करी। परिणाम शून्य। राजकोट आरोग्य विभाग में कॉन्ट्राक्ट बेस पर काम करता कर्मचारी उतरे हड़ताल पर। ड्यूटी रोटेशन एक्स्ट्रा वेतन तेमज कायमी करने की मांग। 300 जेटला कर्मचारी महानगरपालिका कचेरी खाते हड़ताल पर। पालनपुर में करणी सेना कंगना रणौत समर्थन में आगळ आवी। संजय राउत और शिवसेना विरोध में सूत्रोच्चार। कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपी रजूआत कराई। कोविड-19 रेपिड टेस्ट नेगेटिव आए तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवा राज्यों ने ताकीद। रेपिड एंटीजन टेस्ट परिणाम शंकास्पद रहत हुआ थी। आईसीएमआरए ताकीद करी। कोविड-19 तो रेपिड टेस्ट नेगेटिव आए लक्षण हो तो फरजियात आरटीपीसीआर टेस्ट करवानो पत्र। अमदावाद में कर्णावती क्लब में 3 मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। कोरोना लक्षण दिखाता टेस्ट करावे। क्लब ने खोलना 10 दिवस थे। 1 सप्टेम्बर की क्लब में मात्र कैफे जिम शुरू कराया। 8 सप्टेम्बर की वॉकिंग ट्रेक शुरू कर। अमदावादना चांदोड़िया वॉर्ड में थयो कोरोना ब्लास्ट। एक दिवस में 200
62 પોઝિટિવ કેસ છે બનપાઈ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી અધિકારીઓ આંકડા છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરો મીડિયામાં અહેવાલ આવ્યા બાદ તંત્રમાં હડકંપ અમદાવાદમાં માસ્ક અને ક્લીનરનું પેકિંગ કરતા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ 3M સેફ્ટી પ્રોડક્ટ આઇટમના વેપારીને નોંધાવી ફરિયાદ માલિકની ગેરહાજરીમાં 7 લાખથી વધુની કરી ચોરી સુરત સિવિલમાંથી 50 વેન્ટિલેટર અને 6 ઓક્સિજન ટાંકી રાજકોટ ખાતે મોકલાઈ રાજકોટમાં કોરોનાની બગડતી સ્થિતિ જોતા નિર્ણય લેવાયો આ સાથે જ 50 જેટલા સફાઈ કામદારોને પણ મોકલવામાં આવ્યા સુરત મનપા કમિશનર બંચાનિધિ પાનીએ કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી કોરોના અંગેની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી અટવા ઝોનમાં ગઈકાલે 47 કેસ નોંધાયા હતા વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં કોરોના ફટાફટ ખબરમાં આગળ વાત વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં કોરોનાનો કહેર છે યુનિવર્સિટીની હંસા મહેતા લાઇબ્રેરીમાં કોરોના પ્રવેશ થયો છે લાઇબ્રેરિયન મયંક ત્રિવેદીને થયો કોરોના લાઇબ્રેરી 4 દિવસ માટે બંધ વડોદરાના પાદરાના કરખડી ગામે કોરોનાના 15 કેસ ગામ લોકોએ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનનો કર્યો નિર્ણય કોરોના કેસ વધતા જ કરખડી ગામે મૃત્યુનો આંક પણ વધારે છે વલસાડમાં સરકારી કચેરીઓ માસ્ક અંગે ચેકિંગ નાયબ કલેક્ટરે આકસ્મિક ચેકિંગ હાથ ધર્યું અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ માસ્ક પકડ દેખાયા દ્વારકાધીશ જગત મંદિરની આવકમાં થયો ઘટાડો કોરોના કાળમાં દર્શનાર્થી માટે મંદિરના દ્વાર બંધ રહેતા જ આવકનો અસર ગત વર્ષે એપ્રિલથી ઓગસ્ટ સુધીમાં 4,43,89,000 રૂપિયાની આવક થઈ તે આ વર્ષે 2,89,400ની આવક થઈ ભાવનગર મનપા વોલેન્ટરી રેપિડ હટ શરૂ કરશે કોરોનાના સંક્રમણને કાબુ લેવા માટે પ્રયાસો કરશે જાહેર માર્ગો પર વિવિધ સ્થળોએ વોલેન્ટરી રેપિડ હટ શરૂ કરાશે રાજકોટમાં કોરોના વધુ 22 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે શહેરના 16 ગ્રામ્યના 3 અન્ય જિલ્લાના 3 દર્દીઓ મૃત્યુ થયા છે સિવિલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં રોજના 25-30 લોકોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે રાજકોટમાં કોરોનાનું કહેર યથાવત આઈએમએ ડોક્ટરની હડતાલના પગલે મંત્રી જયેશ રાદડિયા અને સાંસદ રમેશ ધડુક જેતપુર દોડી આવ્યા સાંસદ અને કેબિનેટ મંત્રીની ડોક્ટરો સાથે બેઠક સુખદ અંતાવે બેઠકમાં ધમાલ મચાવનાર મનીષ સખરેલિયા પર યોગ્ય પગલાં ભરવા ડોક્ટરોએ હડતાલ પાછી ખેંચી રાજકોટ ST બસ સ્ટેશન પર કરાયા કોરોના ટેસ્ટિંગ 10 લોકોને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યું એડમિન મિકેનિકલ સ્ટાફ ડ્રાઈવર કંડક્ટરના પણ ટેસ્ટ કરાયા રાજકોટના ઉપલેટાના ભીડ ભાડવાળા વિસ્તારોનું માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર આ વિસ્તારમાં આવતી દુકાનોમાં વધુ 4 ગ્રાહકો અંદર જઈ શકશે બાકી અન્ય ગ્રાહકોને બહાર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી ઉભા રહેવું પડશે રાજકોટની કોવિડ હોસ્પિટલ દર્દીના સગાનો હોબાળો સ્વસ્થ દર્દીના હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ મોત થઈ જતા જ ઉઠાવ્યા સવાલ સિક્યુરિટી અને પરિવારના સગા વચ્ચે થઈ બોલાચાલી રાજકોટમાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ગંભીર લાપરવાહી કોરોનાના દર્દીઓને અપાતા ભોજનમાં રોટલીમાં મળેલું મકોડું મળી આવ્યું હોસ્પિટલ તંત્રની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ સુરતમાં ST બસમાં ક્ષમતા કરતા વધુ મુસાફર બેસાડવા આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે 24 કલાકે બસ ડેપો પર રિયાલિટી ચેક કરી બસમાં બસેલા અમુક મુસાફરો માસ્ક પણ ન પહેરેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે આઈસીએમઆરના પ્રથમ નેશનલ સીરો સર્વેના પરિણામો સામે આવ્યા મે મહિનાની શરૂઆત સુધીમાં 64 લાખ લોકો કોરોનાના સંપર્ક આવ્યા હોવાનું અનુમાન તે દરમિયાન ટેસ્ટિંગ ઓછા થતા હોવાથી અનેક જિલ્લામાં કેસ સામે નહોતા આવ્યા દેશના 21 રાજ્યોના 70 જિલ્લાના 700 ગામમાં સર્વે કરાયો પશ્ચિમ બંગાળમાં કોરોનાના કેસ વધતા સંપૂર્ણ લોકડાઉન લાગુ કરી દેવાયો છે જેને પગલે શહેરના રસ્તાઓ સુમસામ બન્યા ધાકુરિયા ગરિયાહાત અને પાર સર્કલ વિસ્તારમાં લોકડાઉનનો ચુસ્ત અમલ પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકડાઉન લાગુ કરાયું જોકે જગદલ વિસ્તારમાં શાક માર્કેટ ધમધમી રહી છે શાક વેચતા લોકો તેમજ ખરીદી કરતા લોકો માસ્ક પગાર દેખાયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ પણ જોવા મળ્યો ભારતમાં કોરોના કેસની સંખ્યા 45 લાખને પાર એક દિવસમાં કોરોનાના વિક્રમજનક 96,551 નવા કેસ 1209 દર્દીઓના મૃત્યુ બીજી તરફ એક દિવસમાં 11.63 લાખ કોરોના ટેસ્ટ પણ કરાયા દેશમાં 45 લાખથી વધુ કોરોના કેસ થયા છે 76,000થી વધુ લોકોને અત્યાર સુધી મોત થયા છે દેશમાં 35,39,000થી વધુ દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી વિશ્વમાં 2,83,00,000થી વધુ કોરોના કેસ થયા છે 9 લાખથી વધુ લોકોને અત્યાર સુધી મૃત્યુ થયા છે દુનિયામાં 2,03,00,000થી વધુ દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथ जोड़ायेला एक कॉन्क्लेव में भाग लीधो। पीएम मोदी पोताना संबोधन नवी पीढ़ी बाळकों ने अभ्यास साथ स्किल पर काम करने अपील करी। आगामी दुनिया आज की अलग हशे तेवामां नवी पीढ़ी ने अत्यारथी तैयार करवी जरूरी छे। ड्रग्स केस में मुंबई की सेशन कोर्टे रिया चक्रवर्ती की जमीन अरजी फगावी। कोर्टे रिया सहित छ आरोपी जमीन अरजी फगावी है, जमा शौविक, दीपेश सावंत, सैम्युअल मिरांडा, जैद बासित परियानो पण समावेश थाय छे। हवे रिया आगामी 22 तारीख सुधी भाईखरा जेल में ज रहेशे।